हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंचल बच्चों को कैसे और आप किन तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो टिप्स जिससे आप चंचल बच्चों के नेचर को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से सुनने चाहिए ये बातें। नंबर वन, दूसरों के सामने बच्चे की तारीफ करें। हम सबका अपना आत्मसम्मान होता है, जिसको अगर ठेस लगे तो हमें बुरा लगता है। आमतौर पर 3 से 4 साल के हाइपर एक्टिव बच्चों में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। ऐसे में अगर बच्चों को आप उनके दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने डांटते हैं और मारते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और उनके आत्मसम्मान को धक्का लगता है। अगर बच्चों को आप अक्सर सबके सामने डांटते हैं तो इससे बच्चों का आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कमजोर होता है और वो बाद में अपनी हाइपर एक्टिविटी को खो सकते हैं। अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो कोशिश करें कि आप उसे अकेले में समझाएं और शांति के साथ समझाएं, ना कि चिल्लाकर बताएं। बच्चों से गलतियां होना स्वाभाविक है क्योंकि उनका मन वयस्क से ज्यादा चंचल होता है और ये उनका स्वभाव होता है। नंबर टू, बिल्कुल ना करे ओवर रिएक्ट। ओवर रिएक्ट करने के बजाय बच्चे को प्यार से समझाएं। उसे ऐसी समस्या से बचाने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल और जूडो, कराटे जैसी फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। अगर माता पिता इन समस्त बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके टीनेजर्स के व्यवहार में जल्दी ही कुछ सार्थक और सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। नंबर थ्री, टोका टाकी करे बंद। कई माँ बाप बच्चों को दिन भर सिर्फ पढ़ने के लिए ही टोकते रहते हैं। बार बार टोकने से बच्चों में खीज यानी कि चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगती है और वो अधिक गुस्सा करने लगते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चों का ज्यादातर दिमाग खेलने कूदने में ही लगा रहता है, लेकिन ऐसे बच्चे आम बच्चों से कम समय में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पर दिन भर पढ़ने का दबाव बिल्कुल भी ना बनाएं। उन्हें खुद से थोड़ा समय खेलने के लिए दें ताकि उन्हें किताबों के साथ साथ सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा हो। नंबर फोर, इस गलती से बचें। गुस्से में आकर बच्चे को मारपीट के साथ ना सुधारने की कोशिश करें। इस बात को सदैव याद रखें कि हर व्यक्ति समय के साथ और अपने अनुभवों से ही सीख लेता है, तो आप उन्हें उनकी गलती का परिणाम दिखाएं या बताएं ताकि उसे अपनी गलती का अनुभव हो जाए और वो अपनी ही गलती से सीख सके। इसके साथ ही आप उन्हें सही और गलत का भी फर्क दिखाएं। इससे उसके मन में आपके लिए आदर बढ़ता है और वो आप पर विश्वास करने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जानी कुछ ऐसी टिप्स जो आपके चंचल बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।